हम जरा ना रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट हमने ES6 के फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था। एक तो हमने बेसिक सिंटैक्स पढ़ा था फंक्शन का, ठीक है, ये बेसिक सिंटैक्स है कि भाई एक फंक्शन का कीवर्ड होता है, उसके बाद फंक्शन का एक नाम होता है और उसके अंदर फिर हम कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी रिटर्न करते हैं। ये रिटर्न वैल्यू क्या चीज़ है, ये हम शुरू से जो देखते हुए आ रहे हैं कि वो चीज़ खुद गायब हो जाती है, उसकी जगह रिटर्न वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये फंक्शन जब बनता है तो इससे कुछ भी नहीं होता, ये जस्ट एक रजिस्टर हो जाता है। अब जब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ABC नाम रखा था, इसकी जगह मेरा कोई भी, मेरी मर्जी का कोई भी नाम हो सकता है। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करता है, कोई ना कोई वैल्यू, ठीक है, जो यहाँ से रिटर्न के आगे लिखा हुआ है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 2 और 3 को प्लस करके जो 5 होगा वो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, वो चीज़ खुद गायब हो जाएगी, 5 आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड रिटर्न वैल्यू, और वो रिटर्न वैल्यू फिर कहाँ चली जाएगी, इस वेरिएबल में चली जाएगी। तो ये हमने एक चीज़ सीखी थी, हमने कहा फिर इस फंक्शन को हम जितनी दफ़ा चाहें अलग अलग वैल्यूज़ के साथ हम कॉल कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल से सीखा था कि भाई रीयूजेबल फंक्शन की हमने एक एग्जांपल भी देखी थी, जो हेयर ड्रेसर से आपको मैंने समझाया था। अच्छा, उसके बाद हमने एक फंक्शन देखा था कि जो एरे आप उसको देते हैं वो आपको उस एरे का एवरेज निकाल के दे देता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप एरे में जितने मर्जी नंबर पास करते रहें, ये हमने नीचे इसको कॉल करके भी देखा था कि एरे में 10, 12, 15 जितने नंबर देंगे उसका वो आपको एवरेज निकाल के इस वेरिएबल पर बढ़ा देगा। अच्छा, तो अब तो ये हो गई यहाँ तक बात। अब हम आज ज़रा देखते हैं कि फंक्शन को लिखने के ना कितने मुख्तलिफ तरीक़े हैं, ठीक है। एक तो हमने ये तरीका देखा था कि फंक्शन और ऐसे ऐड करके, अच्छा ये स्क्रिप्ट का वो नहीं लगाया मैंने, अच्छा मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया H1, ES6 functions। अच्छा एक तो तरीका है ये। अच्छा दूसरा तरीका जो इस फंक्शन को लिखने का है वो है anonymous functions, ठीक है। ये वाला जो तरीका है इसको क्या कहते हैं, नेम्ड फंक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहले फंक्शन का कीवर्ड है, फिर एक फंक्शन का नाम है, और फिर उसके बाद ऐसे बाकी फंक्शन की जो पूरी बॉडी है वो है। अच्छा एनोनिमस फंक्शन जो होता है उसमें फंक्शन का कीवर्ड होता है, नाम नहीं होता है, सही है, फंक्शन का कीवर्ड और नाम नहीं है, और बाकी का नीचे की बॉडी पूरी वही होती है, सही है, ये एनोनिमस फंक्शन है। अच्छा एनोनिमस फंक्शन के अंदर ये बात ज़रूरी होती है कि इस फंक्शन को मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करूँ। अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करूँगा तो क्या होगा, जैसे रिटर्न वैल्यू को अगर मैं वेरिएबल में ना पकड़ूँ क्या होता है, वो हवा में घूम के ज़ाया हो जाता है। तो इस वाले फंक्शन में मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा लेट ऐड इक्वल्स टू और ऐसे फंक्शन। अच्छा ये एनोनिमस फंक्शन जावास्क्रिप्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, एनोनिमस फंक्शन में। अच्छा तो ऐड करके मैं एक बना चुका हूँ फंक्शन, तो ज़ाहिर है ऐड के नाम से मैं ऐड वन कर देता हूँ उसको, ठीक है, थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ, वरना वो एरर दे रहा हूँ कि भाई ऐड के नाम से फंक्शन बना हुआ है, आप ऐड के नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते। अच्छा तो एक तो ये हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, एनोनिमस फंक्शन। अच्छा एक जो ये नेम्ड फंक्शन होता है ना, नेम्ड फंक्शन के अंदर एक चीज़ परफॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं होस्टिंग, ठीक है। अब इसकी स्पेलिंग थोड़ी आगे पीछे देख लीजिएगा क्या है। होस्टिंग क्या चीज़ होती है कि जब आपका कोड चलता है, जब तो आपका कोड एग्जीक्यूट होने से पहले ना वो एक फेज़ होता है, ये उस फेज़ में ये क्या करता है, जितने भी फंक्शंस हैं नेम्ड फंक्शन जो है उन सबको उठा के रजिस्टर कर देता है। तो उससे होता क्या है कि फंक्शन अगर बाद में भी बना हुआ है ना और उसको पहले आप कॉल कर रहे हैं तो वो कॉल हो जाता है, आपको मना नहीं करता वो, ठीक है, वो कॉल हो जाता है। लेकिन अब जाहिर है अभी जो लेटेस्ट वाली जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर एनोनिमस फंक्शन ज़्यादा चलते हैं, एनोनिमस फंक्शन पे होस्टिंग परफॉर्म नहीं होती है। जहाँ पे वो फंक्शन बना हुआ होगा उसके अगली लाइन में वो कॉल होगा, उससे पहले आप उसको कॉल नहीं कर सकते, वो एरर देगा कि ये फंक्शन है ही नहीं। अच्छा तो ये होस्टिंग एक कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, आप अलग से थोड़ा सर्च भी कर लीजिएगा कि होस्टिंग के क्या फ़ायदे वायदे होते हैं। अच्छा अब एक अगला तरीका देख लेते हैं, ये दोनों तरीका ES5 का है, ये दोनों तरीका ES5 का है। अच्छा अब ES5 हो चुकी है आउट ऑफ डेट, अब हो चुकी है, नया जो स्टैंडर्ड है करंटली जो चल रहा है वो ES6 है, और सारे ब्राउज़र पे और नॉट जेएस के सारे जो LTS वाले हैं
उन सब पे ES6 की तकरीबन पूरी सपोर्ट आ चुकी है। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं बहुत एडवांस लेवल की जो कुछ जगहों पे अभी नहीं चलती है, लेकिन जो फंडामेंटल्स हैं जैसे फंक्शन है, इफ एल्स है, फॉर लूप है, वेरिएबल वाले में, ये सारी चीज़ों की सपोर्ट सारे ब्राउज़र पे आ चुकी है। तो अभी करंट स्टैंडर्ड ES6 है और हम जो ये पढ़ रहे हैं वो ES6 ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, लेट एड टू इक्वल्स टू, अब फंक्शन का कीवर्ड जो लिखते थे ना, फंक्शन का कीवर्ड अब नहीं लिखते हैं, अब हम लिखते हैं, बल्कि इसको मैं हटा देता हूँ, पहले फंक्शन लिख देता हूँ यहाँ, फिर उसको वेरिएबल में लगा दूंगा। सही है, और ये इसके नीचे रिटर्न। अब जो मेरा नया फंक्शन बनाने का तरीका है वो ये है, इसमें फंक्शन का कीवर्ड नहीं है, फंक्शन के कीवर्ड की जगह क्या आ चुका है, ये फैट एरो, इसको हम कहते हैं फैट एरो, ठीक है, ये सिर्फ एरो भी कह सकते हैं। तो इस वाले सिंटैक्स को हम कहते हैं एरो फंक्शन, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, फंक्शन वही है ये, लेकिन इसका सिंटैक्स जो लिखने का है ना वो ES6 में थोड़ा इन्होंने चेंज किया। तो इस वाले सिंटैक्स को हम कहते हैं एरो फंक्शन या फैट एरो फंक्शन। जी हाँ, अच्छा, लेट, अब ये वाला भी क्योंकि एनोनिमस है, आप देखें इसमें नाम तो नहीं है कहीं पर, इसमें नाम तो नहीं है, तो ये भी एनोनिमस फंक्शन है, तो इसमें भी देखें ये एरर दे रहा है, ये एरर इसीलिए दे रहा है, मुझे कह रहा है कि भाई लेट आप एक वेरिएबल बनाओ और उसमें इक्वल टू करके आप इस फंक्शन को क्या कर दो, रखवा दो। ये तीनों फंक्शन बिल्कुल सेम तरीके से काम करेंगे फंक्शनैलिटी के अतबार से, इसमें होस्टिंग परफॉर्म होती है, इसके अंदर होस्टिंग परफॉर्म नहीं होती, एनोनिमस फंक्शन है, इसको वेरिएबल में स्टोर करना ज़रूरी है। फिर ये तीसरा वाला, ये भी एनोनिमस है, इसमें भी होस्टिंग परफॉर्म नहीं होती, लेकिन इस वाले को हम यूज़ करेंगे, ये ES6 का फंक्शन है। सही है, ES6 के आने से पहले ES6 एरो फंक्शन है, ये ES6 के आने से पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। अच्छा, ये वाला जो तरीका है ना एरो फंक्शन वाला, इसकी ख़ास बात क्या है, इसकी ख़ास बात ये है कि इसका जो सिंटैक्स है, जो सिंटैक्स लिखा हुआ है, सिंटैक्स कहते हैं लिखने का जो अंदाज़ है, एक ग्रामर है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। अभी जितने भी लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, जैसे कॉटलिन है, स्विफ्ट है और रस्ट वगैरह है, उसके अंदर भी जो ये सिंटैक्स है वो ये वाला है, नया वाला, ये फंक्शन का कीवर्ड वाला सिंटैक्स ना पुराना हो गया है, ये हर लैंग्वेज ने अपने पास से ख़त्म करके एरो फंक्शन पर मूव कर गया। तो ये समझ जाए स्टैंड, यानी मार्केट की नीड को पूरा करने के लिए भी ये इन्होंने ऐड किया। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि इस सिंटैक्स की वजह से ना कोड थोड़ा क्लीन लगता है, ठीक है, अच्छा मुझे तो दोनों एक ही लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि इस तरह का जो सिंटैक्स है नया वाला, इससे कोड में ना थोड़ा क्लीन क्लीन लगता है, थोड़ा साफ सुथरा रहता है कोड, ठीक है, तो आप लोग भी नोट कीजिएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि साफ रहता है या नहीं रहता। अच्छा, अब ये जो ES6 का फंक्शन है ना हमारा, इसके अंदर थोड़ा सा, अच्छा इसको जब कोई भी चीज़ ना फंक्शनैलिटी के अतबार से सेम हो लेकिन उसका सिर्फ सिंटैक्स चेंज हो, और सिंटैक्स चेंज क्यों किया है, डेवलपर की सहूलत के लिए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिंटैटिक शुगर, ठीक है, ये फंक्शनैलिटी वही है इसकी, लेकिन इसमें क्या डाला हुआ है, सिंटैटिक शुगर है। तो ये असल में ये जो एरो फंक्शन का सिंटैक्स है, दैट इज सिंटैटिक शुगर। अब इसमें शुगर वाला एलिमेंट वो अभी हम डिस्कस करते हैं क्या है। अच्छा, अगर इसके अंदर मेरे पास सिर्फ, अभी तो दो पैरामीटर है ना, अगर पैरामीटर सिर्फ एक होगा तो मुझे ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैंने कहा लेट ऐड थ्री, क्योंकि ऐड थ्री मैंने इसलिए किया कि एक नाम से मैं कर नहीं सकता इतने सारे ना, ठीक है। अभी मेरे पास ए और बी है ना, मिसाल के तौर पे मेरे पास फंक्शन जो है वो क्यूब निकालने का, ठीक है, मिसाल के तौर पे फाइंड क्यूब, अब फाइंड क्यूब जो है किसी नंबर का, मैंने कहा नम, क्यूब किसी एक नंबर का निकलता है, क्यूब क्या होता है बता सकता है कोई, किसी भी नंबर को अपने आप से ही तीन दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वो दैट इज़ कॉल्ड क्यूब, ठीक है। अच्छा, ये दे रहा था बिल्कुल मुझे ये खुद ही, सही है। देखो, अब एक पैरामीटर था ना, तो मुझे वो गोल ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक पैरामीटर में गोल ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हो गया एक तो, ठीक है, implicit return नहीं, no need of parenthesis if there is only one argument, ये मैंने यहाँ पे comment लगा दिया। अच्छा,
अब रिटर्न वैल्यू में भी जो है एक सिंटैटिक शुगर है. अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, इसी को मैंने कॉपी किया. अब आप नोट कीजिए, अच्छा फाइंड क्यूब वन कर दिया क्योंकि वेरिएबल का नाम सेम नहीं हो सकता. अब आप नोट करें जो मेरी रिटर्न जो वैल्यू है ना, मेरा जो पूरा फंक्शन है वो एक ही लाइन का. तो अगर मेरा फंक्शन जो है वो एक लाइन का है तो मुझे इस कर्ली ब्रैकेट की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इस रिटर्न के कीवर्ड की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, सही है. मैं एरो फंक्शन के आगे ये लिख दूंगा तो ये रिटर्न वैल्यू है, सही है. अब आप नोट कर रहे हैं इसमें शुगर वाला एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, लेट फाइंड क्यूब वन. अच्छा, नो नीड ऑफ रिटर्न कीवर्ड इफ देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ कोड. क्या बात है गिटहब कोपाइलट की, ठीक है. एक पैरामीटर में पैरेंथेसिस गायब, और एक लाइन का अगर रिटर्न है, डायरेक्ट रिटर्न हो रही है कोई चीज़, जैसे क्यूब के केस में नंबर को ही मल्टीप्लाई मार के सीधा रिटर्न, तो मुझे ना कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत है ना मुझे रिटर्न के कीवर्ड की ज़रूरत है. अच्छा, अब ये कोड आपका गिटहब में मैं पुश कर दूंगा, ये आपके पास रहेगा, इसको ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा, आप हाथ से चला के भी देख लीजिएगा. और ये हमने इसका शुगर वाला एलिमेंट डिस्कस कर लिया. अच्छा, बाकी फंक्शनैलिटी के अतबार से ये चारों जो है वो एक ही है, कोई ऐसा ख़ास फर्क नहीं है इसके अंदर. अच्छा, अब हो गई ये वाली बात हमारी. अच्छा, अभी के बाद हम जितना भी फंक्शन अब लिखेंगे मज़ीद, वो हम लिखेंगे ES6 वाला, सही है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हाँ, मैं तो क्लास पढ़ा रहा हूँ यार सलानी में, खैरियत नहीं तो कहाँ, मतलब कोई सीन है तो बताओ. नहीं तो मैं 12 के बाद मैं फ्री हूँ, 12 के बाद फ्री हूँ. चल सही है, बाकी है 12 के बाद मैं फ्री हूँ, सही है, 12 से पहले नहीं हूँ. अच्छा, तो अभी के बाद हम जितने भी फंक्शन लिखेंगे वो सारे एरो फंक्शन जो ES6 वाले हैं वो लिखेंगे, और जहाँ पे हमें हमारा एक पैरामीटर होगा वहाँ पे हम पैरेंथेसिस छोड़ देंगे, जहाँ पे एक लाइन का रिटर्न होगा वहाँ पे कर्ली ब्रेसेस भी छोड़ने की कोशिश करेंगे हम. अच्छा, तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ लेट माई फंक्शन, ठीक है, इक्वल्स टू, और ये मैंने एक अदद फंक्शन बना दिया, ठीक है. अब मैंने एक अदद फंक्शन बना दिया यहाँ पे. अब इस फंक्शन के अंदर ये जो पैरामीटर है, मैंने कहा ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीन पैरामीटर मैं इस फंक्शन के अंदर लेता हूँ. अब एक चीज़ याद रखें, ये फंक्शन की थोड़ी सी नेचर को हम मज़ीद डिस्कस कर रहे हैं. ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं ये क्या हैं, ये इस फंक्शन के लोकल वेरिएबल हैं. मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आके ना लेट नम इक्वल टू 5 अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये फंक्शन की बॉडी से बाहर अवेलेबल नहीं होंगे. जब ये फंक्शन चलेगा ये वेरिएबल उस वक्त क्रिएट होगा, उससे पहले ये वेरिएबल क्रिएट नहीं होगा. तो वेरिएबल, ये फंक्शन हमें कहीं ना मेमोरी की एफिशिएंसी भी दे रहा होता है. अगर आपके पास बहुत सारे वेरिएबल बनते हैं किसी फंक्शन के अंदर, तो जब तक वो फंक्शन चलेगा नहीं ना, जब तक वो वेरिएबल बनेंगे नहीं, तो इसी वजह से हम ग्लोबल स्कोप में, यानी जो रूट स्कोप है हमारा, सही है, जैसे इस जगह पे बहुत से बंदे आके ना लेट करके ABC इक्वल टू कुछ शुरू में ही डिक्लेरेशन कर देते हैं, जहाँ पे तो नीड है इसकी, यहाँ पे तो करना पड़ता है. समटाइम इसकी नीड होती है, उसके बगैर हो नहीं पाता, करना पड़ता है. लेकिन इस चीज़ को डिस्करेज किया जाता है कि हम ये वेरिएबल्स को ग्लोबल लेवल पे बनाएं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो वेरिएबल एक बार बन जाता है, वो जब तक आपका प्रोग्राम एग्जिट नहीं होगा ना, वो मेमोरी से जगह छोड़ेगा नहीं,
जब तक आपका प्रोग्राम, यानी अगर जैसे एक वेब पेज है, वेब पेज के ऊपर लगी हुई है जावास्क्रिप्ट आपकी, अब वो वेब पेज ओपन हो गया ना जब, तो वो वेरिएबल ने मेमोरी में जगह ले ली। अब जब तक वो पेज क्लोज नहीं हो जाता आपका, वो मेमोरी से जगह छोड़ेगा नहीं। ऑन अदर एंड, अगर जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन का लोकल वेरिएबल कहते हैं, वो पेज जैसे ही ओपन होगा ना, ये वेरिएबल बनेगा ही नहीं। ये वेरिएबल बनेगा जब जब बटन पे क्लिक होगा और ये फंक्शन रन होगा। अब जब तक ये फंक्शन चलता रहेगा, ये वेरिएबल मेमोरी में मौजूद रहेगा। जैसे ही ये फंक्शन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, ये वेरिएबल मेमोरी से ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा कौन मुझे बताएगा कि नंबर का वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में मेमोरी में कितनी जगह लेता है? 64 बिट, सही है, 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है जावास्क्रिप्ट का जो नंबर है। अच्छा, तो 64 बिट जो जगह है ये जब लेगा जब फंक्शन ये रन होगा। अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई, फंक्शन ख़त्म हुआ, वेरिएबल ख़त्म। अब ये जो पैरामीटर्स हैं ना, ये भी क्या है, लोकल वेरिएबल्स हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने 3 पैरामीटर लिए हुए हैं, तो ये फंक्शन जब चलेगा तो ये तीनों पैरामीटर भी मेमोरी में उसी वक्त जगह ले लेंगे। अच्छा, ये तीनों पैरामीटर में होगा क्या, जब मैं इसको कॉल करूँगा माई फंक्शन को, और मैं इसको 3 ऐसे वैल्यूज़ दे के कॉल करूँगा, तीनों नंबर है, ठीक है, तो ये तीनों नंबर वेरिएबल के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, तो 64 64 ये तीनों ले लेंगे, और ये 64 एक ये ले लेगा, तो जितना भी टोटल हुआ ये उतना मेमोरी कंज्यूम कर रहा होगा ये फंक्शन। ठीक है, हर कॉल पे उतनी मेमोरी कंज्यूम करेगा, एग्जीक्यूशन ख़त्म, वो जगह भी खाली कर देगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रिटर्न के कीवर्ड पे। ठीक है, ये रिटर्न मैंने रैंडमली सारी वैल्यू जो जो मुझे मिली थी ना पैरामीटर, सबको प्लस मार के मैंने रिटर्न करवा दिया। ठीक है, ये एक रैंडम एक चीज़ लिखी है मैंने, हमेशा याद रखें, जहाँ पे भी रिटर्न का कीवर्ड आ जाएगा वहाँ पे मेरा फंक्शन जो है उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, रिटर्न के कीवर्ड के बाद अगर मैं कोई भी लाइन लिखता हूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, तो ये वाली लाइन तक ये कभी भी नहीं पहुँचेगा, अनरीचेबल कोड, सही है, ये अनरीचेबल कोड मैंने यहाँ पे कॉन्सोल कर दिया। अब जब मैं इस फंक्शन को रन करूँगा, यानी जब मैं इस वेब पेज को जब चलाऊँगा, तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑटोमेटिकली पेज ओपन होते ही एक दफ़ा चल जाएगा, क्योंकि मैंने नीचे कॉल किया हुआ है हाथ के हाथ इसको। अब मैं ज़रा इसको चलाता हूँ और चेक करते हैं चला के कि ये अनरीचेबल कोड जो है क्या ये वाला प्रिंट आ रहा है मेरे पास। ठीक है, आना नहीं चाहिए, कॉन्सोल किया ना, ये फंक्शन चला, ये हेलो का कॉन्सोल आया, उसके बाद रिटर्न है, उसके बाद अनरीचेबल कोड है, तो रिटर्न पे ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा मेरा। ठीक है, अच्छा कुछ ये टेक्स्ट एडिटर ना मुझे एरर देना चाहिए इसको, कि यहाँ पे ये आपने कोड जो लिखा है ये अनरीचेबल है, लेकिन मेरा टेक्स्ट एडिटर मुझे एरर नहीं दे रहा है, किसी वजह से नहीं दे रहा होगा बहरहाल। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक दफ़ा और इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे भी ये एरर उसको वार्निंग देनी चाहिए कि अनरीचेबल कोड, लेकिन बहरहाल पता नहीं क्यों नहीं दे रहा। खैर, तो हमने ये देखा कि रिटर्न जो है जहाँ पे आ जाए वहाँ पे मेरा फंक्शन ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अब मैं इस फंक्शन को थोड़ा सा बेहतर रंग दे देता हूँ, इस फंक्शन का मैं नाम एक रख देता हूँ कि भाई इज इवन। मिसाल के तौर पर मैंने एक फंक्शन बनाया जो कि एक पैरामीटर लेता है, ठीक है, नम कर दिया मैंने उसको, एक पैरामीटर लेता है, और ये क्या करता है, उस नंबर को मुझे चेक करके बता देता है कि ये इवन है या नहीं है। ठीक है, वो क्या है, इवन है या नहीं है, तो मैंने कहा इफ़ नंबर को मैंने डिवाइड मारा 2 से, अगर वो ट्रू है तो मैंने इफ़ लगा के यहाँ पे रिटर्न करवा दिया ट्रू, एल्स में मैंने रिटर्न लगा दिया फॉल्स। ठीक है, अच्छा अगर इफ़ चल पड़ता है तो ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर, अगर एल्स चल पड़ता है, ठीक, मतलब अगर ये इफ़ नहीं चलता है तो ज़ाहिर है फिर एल्स चलेगा, तो ये ऐसे ही यहाँ पे फॉल्स चल जाएगा। ठीक है, तो इफ़ लगा के भी कहीं पे अगर, अच्छा शुरू में मैं इसको एक और इफ़ लगा देता हूँ इधर वैलिडेशन के तौर पे, मैंने कहा इफ़ इज़ NaN, और इज़ NaN के अंदर मैंने ये नम दे दिया। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ कि आया कि
नंबर के अलावा अगर कोई चीज़ बंदे ने दे दी हो तो क्या करें? तो अच्छा ये डबल डबल हो गया, मैंने कहा कि नंबर के अलावा अगर कोई चीज़ दे दी है ना बंदे ने तो रिटर्न कर दो, क्या कर दो, नॉट अ नंबर। तो जैसे ही रिटर्न, अगर ये इफ़ ट्रू हो जाता है किसी भी, यानी इफ़ में जो कंडीशन लगाई अगर ये ट्रू हो जाती है तो रिटर्न यहाँ पे कॉल हो गया ना, अब नीचे की ये चीज़ें चेक ही नहीं होगी क्योंकि ये फंक्शन क्या हो गया यहाँ पे, ख़त्म हो गया आपका। अगर ये इफ़ फॉल्स हो जाता है तो ज़ाहिर है फिर ये इतना कोड चलेगा ही नहीं, तो रिटर्न नहीं चलेगा तो कोड मेरा फिर आगे जाएगा। सही है, तो रिटर्न के कीवर्ड का हमने नेचर थोड़ा सा समझ लिया कि रिटर्न के कीवर्ड का काम एक तो ये है कि वैल्यू पकड़ता है वो, कि भाई रिटर्न वैल्यू असल में होगी क्या इस फंक्शन की, एक तो ये काम है। दूसरा ये, जहाँ पर रिटर्न का कीवर्ड आ जाता है वहाँ से फिर आगे वो फंक्शन जाता नहीं है, वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक किसी का अगर कोई सवाल है, हमने दो चीज़ें अभी डिस्कस की हैं, एक पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं कि पैरामीटर लोकल वेरिएबल होता है, दूसरा हमने रिटर्न का कीवर्ड जो है थोड़ा सा डिस्कस किया है। जी सर, आप बताए थे कि रिटर्न के कीवर्ड के बाद जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होता। नहीं होगा। तो सर अगर रिटर्न के बाद जैसे a प्लस b करवा रहे हैं तो फिर वो उसी लाइन वाला होगा एग्जीक्यूट, नीचे वाला नहीं होगा? देखो ये रिटर्न का जो कीवर्ड है ना, ये इसको तुम समझ लो जैसे वो टाइप ऑफ का ऑपरेटर होता है ना, टाइप ऑफ लिखते हो और सामने कोई भी वेरिएबल का नाम लिख देते हो। सही है। अच्छा, इसको टाइप ऑफ को कॉल करने का एक तरीका ऐसे ब्रैकेट वाला भी होता है, एक ब्रैकेट एक बगैर ब्रैकेट की भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है। तो ये टाइप ऑफ के आगे जो चीज़ मिलती है ना, इसको ये एज अ पैरामीटर ले लेता है। तो रिटर्न का जो जो कीवर्ड है, सही है, या इसको तुम ऑपरेटर तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये ऑपरेटर है, यूनरी ऑपरेटर समझ लो, है ना, तो उसका ये एज अ उसको पैरामीटर पकड़ रहा होता है। रिटर्न के कीवर्ड के सामने जो भी चीज़ आती है उसको एज अ पैरामीटर ले रहा होता है। ठीक है, तो रिटर्न वाली जो लाइन है वो आखिरी लाइन होती है किसी भी फंक्शन की, और रिटर्न के सामने जो चीज़ होती है, अच्छा रिटर्न के पीछे लिखूंगा तो ये काम नहीं करेगा, एरर दे देगा ये, रिटर्न के सामने ही इसको चाहिए ये। तो रिटर्न के सामने जो चीज़ है उसको ये एज अ रिटर्न वैल्यू पकड़ लेता है और उसके अगली लाइन को फिर ये नहीं चलाता। हाँ बिल्कुल होगा। देखो मैंने कहा लेट रिजल्ट, ठीक है, मैंने कहा लेट रिजल्ट इक्वल टू इज इवन का फंक्शन कॉल किया और इज इवन के फंक्शन को क्या दिया, 5। तो अब 5 जब मैंने दिया है तो ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अच्छा इससे अभी प्योरिटी ऑफ फंक्शन भी याद आ गया, वो भी डिस्कस करते हैं। अच्छा मुझे पता है कि ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो इस रिजल्ट के वेरिएबल में क्या चला जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब मैं इस रिजल्ट के वेरिएबल को कंसोल करा देता हूँ। सही है, ये रिजल्ट के वेरिएबल को मैंने कंसोल, तो रिजल्ट में फॉल्स आना चाहिए। ठीक है, ये रिजल्ट के वेरिएबल में फॉल्स आ गया। सही है, अच्छा अगर मैं इसमें डाल दूंगा 6 तो एक इवन नंबर है तो अब इस रिजल्ट के अंदर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, ट्रू आ गया। अच्छा मैंने 6 और 5 के अलावा कुछ ए बी सी डाल दूँ अगर तो क्या आना चाहिए, नॉट अ नंबर इस रिजल्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे देखो नॉट अ नंबर इस वेरिएबल में चला गया। ठीक है, तो जो भी रिटर्न वैल्यू ये कर रहा है फंक्शन, जो भी रिटर्न वैल्यू कर रहा है वो इस वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाती है। अच्छा अब सवाल ये है कि इस फंक्शन में मैं डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकता था, डायरेक्ट मैं प्रिंट भी करवा सकता था लेकिन मैंने प्रिंट नहीं करवाया क्योंकि मुझे इस फंक्शन को रीयूजेबल रखना है। ठीक है, और ये फंक्शन जो होता है ना, देखो एक होती है प्योरिटी ऑफ फंक्शन, जो प्योरिटी ऑफ फंक्शन होती है ना वो ये होता है कि एक इनपुट लेगा वो, उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। यानी जो ये रिटर्न का कीवर्ड है ना, ये इसका आउटपुट देने का स्टैंडर्ड तरीका है फंक्शन के। प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, जाहिर है वो हर जगह अलग अलग केस होता है। मिसाल के तौर पे जावास्क्रिप्ट चलती है सर्वर पे भी, फ्रंट एंड में भी चलती है, मोबाइल ऐप में भी चलती है। अब जाहिर है मोबाइल ऐप के अंदर कॉन्सोल डॉट लॉग काम नहीं करता, रिएक्ट नेटिव की जो मोबाइल ऐप होती है उसमें कॉन्सोल डॉट लॉग कराओगे तो स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखेगा। उसमें विजेट्स होती हैं, वो जाहिर है वो आपको खोलनी पड़ती हैं। वेब एप्लीकेशन में जाहिर है आपको अलर्ट बॉक्स दिखा सकते हो आप, या कोई जो जो पॉपअप वाला बॉक्स होता है वो दिखा सकते हो आप। सर्वर के ऊपर आपको टर्मिनल पर कंसोल कराना होता है। सही है ना, तीन अलग अलग क्राइटेरिया है इसके अंदर। तो मैं अगर कंसोल डॉट लॉग लिख दूंगा तो हो सकता है कुछ जगहों पे वो काम ना करे,
तो इस वजह से मैं हमेशा क्या करता हूँ, फंक्शन से मैं रिटर्न करवाता हूँ वैल्यू, और रिटर्न करवाने के बाद उसको अपने हिसाब से अलग अलग कोड में अलग अलग तरीके से उसको आउटपुट पे लेकर आता हूँ। तो फंक्शन का जो आउटपुट है ना वो रिटर्न है। अच्छा, तो बात हो रही थी प्योरिटी ऑफ फंक्शन। अगर मैं इसमें से रिटर्न ना करवाऊँ और मैं कंसोल पे लॉक करवा दूँ तो ये भी फंक्शन की प्योरिटी पे असर डालता है। फंक्शन आपका क्या हो जाता है? इम्प्योर। ठीक है, फंक्शन आपका क्या हो जाता है? इम्प्योर। अच्छा, तो अब ये प्योरिटी की बात चल रही है तो प्योरिटी की डेफिनेशन है क्या आखिर? प्योर फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि उसका जो आउटपुट है वो उसके इनपुट पर डिपेंडेंट हो। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको एक नंबर बताऊं कि ये मैं इसमें दे रहा हूँ 12, एक नंबर दे रहा हूँ मैं इसमें इनपुट 12, तो आप मुझे इसका आउटपुट बता देंगे ना प्रेडिक्ट करके कि 12 है तो क्या आएगा? ट्रू आएगा, आपको पता ही है। तो इसका जो इनपुट है ना और जो आउटपुट है वो प्रिडिक्टेबल है कि क्या इनपुट दूंगा तो क्या आउटपुट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कैट स्ट्रिंग में तो आपको पता है कि ये नॉट अ नंबर रिटर्न करेगा, ये प्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो प्योर फंक्शन वो होते हैं जो अपने इनपुट पर डिपेंडेंट हो, जो उसका जो भी रिजल्ट निकलता हो, जो भी आउटपुट निकलता हो वो उसके इनपुट पर डिपेंडेंट हो, किसी एक्सटर्नल वैल्यू पर डिपेंड ना करता हो। वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा हो कि अभी टाइम क्या हो रहा है, वो किसी फंक्शन के फंक्शन से बाहर बने हुए किसी वेरिएबल पर वो डिपेंड नहीं कर रहा हो। ठीक है, इस तरह की कोई भी चीज़ अगर उसमें शामिल होती है तो वो फंक्शन आपका फिर प्योर नहीं रहेगा, वो इम्प्योर हो जाएगा। अच्छा, फिर प्योर फंक्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो आप अलग से स्टडी कीजिएगा कि वो स्केलेबल होता है एक तो वो। ठीक है, आपके पास कितनी प्रोसेसिंग पावर है उसके हिसाब से आप उसको बता सकते हैं कि मैं स्केल करने के लिए कितनी प्रोसेसिंग पावर चाहिए, ये प्रिडिक्टेबिलिटी है एक तरह की। फिर दूसरा ये वो रिलायबल होता है। रिलायबल का मतलब ये कि वो हर दफ़ा आपके प्रिडिक्टेबल आउटपुट देगा, ये नहीं है कि कभी वो बोंगिया मारेगा, वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। इमेजिन करें कि यहाँ पे जो है ना मैं एक इफ़ लगा दूँ, ठीक है, एक इफ़ लगा दूँ कि टाइम, सही है, मैंने कहा टाइम डिवाइड बाई टू, ठीक है, ये मैंने एक एडिशनल इस पे ऊपर लगा दिया। टाइम इज बैड, अगर टाइम एक वेरिएबल है बाहर बना हुआ है वो, लेट टाइम इक्वल्स टू और इसमें कुछ मैंने ऐसे नंबर डाल दिया। सही है, जावास्क्रिप्ट में जब हम टाइम गेट करते हैं ऐसे ही मिलता है हमें, जावास्क्रिप्ट में हम टाइम गेट करते हैं तो ई पोस्ट करके हमें मिलता है मिली सेकेंड्स में। अब मुझे नहीं पता वो टाइम क्या है। मिसाल के तौर पर मैं सिस्टम से डायरेक्ट गेट करता हूँ टाइम, यहाँ पे लगा देता हूँ इफ़ में, सिस्टम से डायरेक्ट गेट करता हूँ टाइम, मैं कहता हूँ सिस्टम का टाइम अगर इवन है ना इस वक्त, यानी 7:02 अगर हो रहे हैं इवन है, तो आप क्या कर दो, आप ये रिटर्न कर दो कि टाइम बुरा चल रहा है। अब मुझे ये बताओ मैंने 12 दिया है, क्या रिटर्न करेगा ये? कभी कभी ये ट्रू रिटर्न करेगा, सही है, क्योंकि ट्रू है। कभी कभी अगर टाइम ये गलत हो गया ना तो ये बोलेगा टाइम इज़ बैड। अब ये हो गया अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि ये किस पर डिपेंडेंट हो गया, एक एक्सटर्नल वैल्यू पे जो हमें पता ही नहीं है कि वो होगी क्या, वो कब क्या होगी हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये अब इम्प्योर हो चुका है, टोटली इम्प्योर फंक्शन हो चुका है, सही है, इसकी प्योरिटी क्या हो चुकी है, अब ज़ीरो हो चुकी है। तो यही मैं जिक्र कर रहा था कि हमें जब भी फंक्शन बनाना है कोशिश करना है कि वो प्योर फंक्शन हो। ठीक है, प्योर फंक्शन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप उसको अलग से स्टडी कीजिएगा। अच्छा, तो अगर मैं रिटर्न नहीं करवाता हूँ, मैं उसको कंसोल करा के छोड़ देता हूँ, तो इससे भी मेरा फंक्शन क्या हो जाता है? इम्प्योर हो जाता है। इम्प्योर होने का मतलब यह है कि वो आउटपुट ही नहीं दे रहा मेरा फंक्शन कुछ, इनपुट तो ले रहा है आउटपुट दे ही नहीं रहा। तो प्योरिटी का सवाल तो जब पैदा होगा ना जब आउटपुट दे रहा होगा, तो इसलिए मुझे हमेशा आउटपुट रिटर्न के जरिए करवाना है, कभी प्रिंट विंट करवा के आउटपुट देने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, एक बार मेरे पास इसका आउटपुट वेरिएबल में आ गया, उसके बाद मैं उसको प्रिंट करवा दूँ, कहीं भेज दूँ डेटाबेस में, कहीं सर्वर पे भेज दूँ, कोई API कॉल कर दूँ, वो अब आगे की कहानी है। लेकिन फंक्शन के अंदर ना क्या होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू दी पॉइंट। अगर दो मैट्रिक्स को सम करता है तो मैट्रिक्स ए कॉमा मैट्रिक्स बी, दोनों को सम करे, रिटर्न करे एक तीसरा मैट्रिक्स, सिंपल, उसके अंदर बीच में और कोई दूसरी लॉजिक ना हो, ताकि कल को आप किसी दूसरी ऐप में भी आपको फंक्शन चाहिए हो ना मैट्रिक को प्लस करने वाला, आपने वो फंक्शन उठाया दूसरी जगह लगा दिया। लेकिन आप इमेजिन करें कि आपने उस फंक्शन के बीच में ना जो भी रिजल्ट आता है उसका पॉप ओवर दिखा के उसमें डिस्प्ले भी कराते हैं उसको आप उसी फंक्शन की, तो अब ये फंक्शन क्या हुआ आपका, रीयूजेबल एक तो नहीं रहा, सही है, आप किसी और, आप मोबाइल ऐप में लगाया था आपने शुरू में,
फिर बाद में आपको लगाना पड़ गया किसी वेबसाइट के ऊपर, तो जाहिर है वेबसाइट में पॉप ओवर का कोड वो थोड़ी होगा रिएक्ट नेटिव वाला, वो तो वेबसाइट का तो अलग होता है, डिव होगी इसके अंदर, उसमें डिव नहीं होता। तो ये हमने थोड़ा सा फंक्शन को मज़ीद डिटेल में डिस्कस किया। अच्छा, अब फंक्शन की प्योरिटी से मुतालिक कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में ना आई हो, कोई ऐसी बात मुश्किल कर दी हो मैंने जो? अच्छा, अब ज़रा जो है ना, मेरा ख्याल है सारी चीज़ें तो हमने कवर कर ली हैं, अब बुक में एक नज़र मार लेते हैं। सर वो नए सिंटैक्स में मैंने किसी कोड में देखा था, वो ई करके कुछ आ रहा था, ई बना हुआ था प्रिवेंट कर, बताता हूं वो क्या होता है। पहले तो हम जरा बुक में देख लेते हैं ना कि बुक में क्या चल रहा है। बुक में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो बुक में मौजूद थी और हमने वो छोड़ दिए। अच्छा, ये फंक्शंस हैं, अच्छा पासिंग देम डेटा, यानी पैरामीटर्स की बात हो गई कि फंक्शन को आप पैरामीटर दे सकते हैं। अच्छा, ये रिटर्न की बात हो गई, पासिंग डेटा बैक फ्रॉम देम। अच्छा, लोकल वर्सेस ग्लोबल वेरिएबल, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि फंक्शन के अंदर जो होता है वो फंक्शन का लोकल वेरिएबल होता है। अब उसके बाद स्विच स्टेटमेंट वगैरह आ गया। ठीक है, तो मेरा ख्याल है फंक्शन में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब ये जो इसने बात की ये हम देख लेते हैं ज़रा। देखो, ये जो तुमने बात की ना, बड़ी अच्छी बात की, दैट इज़ कॉल्ड इवेंट्स। मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना देता हूँ, सही है। फॉर्म के ऊपर मैंने कहा ऑन सबमिट पे क्या चलेगा, माई फंक्शन, ठीक है, माई फंक्शन चलेगा। और मैं यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लगा देता हूँ ताकि ये रिफ्रेश ना करे इसको, ये हम देख चुके हैं पहले, इसको रिपीट करने की शायद ज़रूरत नहीं है। इसमें एक इनपुट लगा दिया मैंने, टेक्स्ट इनपुट, और उसके बाद एक बटन लगा दिया, सही है। और बटन पे मैंने कह दिया चेक, ठीक है। अच्छा, ये करता क्या है भाई, ये करता है इज इवन चेक करता है, सही है। ये क्या करता है, इज इवन को चेक करता है, आईडी नम, ठीक है। मैंने ये एक इनपुट बना दिया, ये साथ में बटन बना दिया, इस बटन पर मैंने टाइप सबमिट लगा दी, ठीक है। सबमिट ना भी लगाऊँ तो उसको सबमिट ही समझेगा, क्योंकि फॉर्म के टैग में अगर अकेला बटन हो तो उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट सबमिट कंसीडर करता है। अच्छा, ये जो इज इवन वाला फंक्शन था ना मेरा पूरा, इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कहा माई फंक्शन, सही है, ये माई फंक्शन था। सही है, ES6 वाला फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, माई फंक्शन के अंदर मैंने कहा कि वो डॉक्यूमेंट से वैल्यू गेट करो, जो नम की वैल्यू थी, सही है, उसको जो है ना नंबर बना के गेट करो। ये प्लस लगा दिया मैंने, इससे पार्स हो जाता है, ठीक है। एक पार्स इंट भी है, उससे भी हो जाता है। कैपिटल N से नंबर का एक फंक्शन है, उससे भी पार्स हो जाता है, सही है। सारे एक ही तरीके हैं, वो डेसिमल हटा देता है, ठीक है। पार्स फ्लोट भी है, पार्स इंट भी है। समटाइम ऐसी आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप पॉइंट वाली वैल्यू हटाना चाहते हैं, तो पार्स इंट कर लेते हैं। अच्छा, नंबर जो होता है वो क्या करता है, वो अगर वैल्यू पॉइंट वाली होती है तो उसके हिसाब से करता है, बगैर पॉइंट वाली तो उसके हिसाब से कर देता है, ठीक है। ये भी जो है, ये कैपिटल एन से जो नंबर लिखते हैं उसका शॉर्ट हैंड है ये। अच्छा, मैंने कहा भाई नंबर की जो वैल्यू थी बंदे ने जो लिखी वो उठाओ, और वो उठाने के बाद उसको क्या करो, इज इवन का फंक्शन कॉल करो जो मैंने ये ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है। अभी तो ये कमेंट हुआ था ना, इसको मैंने ये खोल दिया, ठीक है।
इज इवन का जो मैंने, अच्छा ये फंक्शन मुझे पहले बनाना पड़ेगा, कॉल मुझे बाद में करना पड़ेगा इसको, ठीक है, ये ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि जहाँ पे वो फंक्शन बना हुआ उसके पहले वो मिलेगा नहीं मुझे, उसके बाद ही मिलेगा। अच्छा इज इवन कॉल किया, जो भी रिजल्ट आया, ठीक है, उस रिजल्ट को कॉन्सोल पे नहीं, मैं इसको यहाँ पे एक डिव बना देता हूँ, उस पर प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। इस फॉर्म के नीचे मैंने कहा डिव है, और इसकी क्या है आईडी जो है रिजल्ट, ठीक है, इस डिव के अंदर मैं उसको प्रिंट करवा देता हूँ कि भाई ट्रू है या फॉल्स है, सही है। मैंने कहा भाई ये लो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट, और इनर एचटीएमएल में जो भी उसका आता है वो लगा दो, इनर एचटीएमएल की जगह मैं इनर टेक्स्ट लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे उसके अंदर एचटीएमएल नहीं, जस्ट मुझे टेक्स्ट भेजना है। हाँ एक ही बात है, हाँ मसला नहीं है, लेकिन इनर टेक्स्ट अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असल में जो इनर एचटीएमएल होता है ना, वो क्या करता है, वो डॉम को मेरे ख्याल है अपडेट ज़्यादा करता है। तो कुछ लोग ऐसा मैंने पढ़ा है एक जगह इंटरनेट पे कि जहाँ पे अगर इनर एचटीएमएल की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे आप इनर टेक्स्ट लगाएं, ठीक है, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा है। अब मुझे एग्जैक्टली सही नहीं पता कि इसका इंटरनल रीज़न क्या है, तो अब ये एक प्रैक्टिस है मेरे, हाँ मेरी प्रैक्टिस है, तो वो इसलिए मैं इसी तरह कर रहा होता हूँ। जी वो मसला उससे ही होगा कि एच टी एम एल के डॉक्यूमेंट पर जो भी कुछ लिखा हुआ ना वो सब उड़ा देगा, वो सब गायब करके लिख देगा, हैं, सब गायब कर देगा वो, जो पहले से फॉर्म पूरा बना हुआ है ना वो सब उड़ा देगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कभी भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। हम एक डिव पहले से बना देते हैं कि इस डिव के अंदर मुझे कंट्रोल करना है जो भी करना है। अच्छा यहाँ तक का जो मैंने काम किया है, ये मैंने वो काम किया है जो आप लोग पहले भी कर चुके हैं, इसमें कोई नई चीज़ नहीं की है। बस मैंने ये किया है कि फंक्शन सारे अब ES6 के इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें। ये फंक्शन भी मेरे पास क्या है, एक रीयूजेबल फंक्शन है जो कि बना हुआ है और वो डिफरेंट मौके पे वो इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो नॉट अ नंबर लिखेगा तो वो भी प्रिंट हो जाएगा डिव में, अगर ट्रू लिखेगा फॉल्स लिखेगा तो वो भी प्रिंट हो जाएगा डिव में। आते हैं ज़रा इसको हम चला के देखते हैं, ठीक है। मैंने कहा भाई 3 और चेक, इसने कह दिया फॉल्स, और मैंने कहा भाई 4 चेक, इसने कह दिया ट्रू, ठीक है। मैं इसके अलावा कुछ और लिखता हूँ अगर यहाँ पे चेक नॉट अ नंबर, सही हो गया। अच्छा अब तुम्हारा सवाल ये था कि कुछ जगहों पे तुमने ये देखा है कि ये जो माई फंक्शन बना हुआ है इसमें यहाँ पे एक छोटा सा ई लिखा हुआ होता है, इवेंट, ठीक है, इसको ई भी लिख सकते हो आप, इवेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर ना इस इवेंट में आपको क्या मिल रहा होता है, देखो ये जिस बटन पे क्लिक हुआ है ना, जो आपकी पूरी विंडोज़ का जो सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ जो आपकी होती है वो इवेंट ड्रिवन है। इवेंट ड्रिवन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ ना एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होती है, सही है। कोई भी काम जब होता है पूरी विंडोज़ के अंदर तो वो एक इवेंट फायर करता है जिसकी आवाज़ जाती है पूरे विंडोज़ के हर कोने में। अच्छा जो उस इवेंट पे लिसनर लगा के बैठा हुआ होता है कि भाई ये जब इवेंट होगा तो मैंने फला काम करना है, तो जब वो इवेंट की आवाज़ उस तक पहुंचती है तो वो काम कर देता है, तो दैट इज़ कॉल्ड इवेंट ड्रिवन। तो जावास्क्रिप्ट भी ना, जावास्क्रिप्ट बहुत सारे मुख्तलिफ पैराडियम्स को सपोर्ट करता है। एक है फंक्शनल पैराडियम कि भाई फंक्शन में होगा सारा काम जो भी होगा, क्योंकि अभी तक जितना हमने काम किया वो हमने क्या किया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ी है अभी तक हमने। हम हर चीज़ के लिए क्या बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, क्लिक होता है फंक्शन चल जाता है, वो फंक्शन एक दूसरे फंक्शन को कॉल भी कर देता है, तो दैट इज फंक्शनल पैराडियम। जी नहीं, इस कोर्स में हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि रिएक्ट बीच में, असल में रिएक्ट तो शुरू से ही उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बड़ा फोकस किया था, लेकिन मसला ये कम्युनिटी क्योंकि ड्राइव करती है ना ओपन सोर्स चीज़ों को, तो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर ने फंक्शनल पैराडियम को अडॉप्ट किया, तो रिएक्ट में अभी जो है करंटली वो फंक्शन पे पूरा मूव कर गया, तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अभी पढ़ने का मेरा ख्याल है कोई फ़ायदा नहीं है इस कोर्स में, ठीक है। लेकिन ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ES6 में कम्प्लीटली सपोर्ट है, यानी जो ES6 है उसके अंदर क्लासेस वगैरह का कीवर्ड और ये सारी चीज़ें शामिल कर दी गई हैं,
तो अगर आप चाहें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप अलग से कोई वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत आपका बैकग्राउंड अगर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ा है तो सेम सारी चीज़ें अब इसमें भी हो जाती हैं जो सी प्लस प्लस सी शार्प में और जावा में जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना वो उसके पैराडियम्स होते हैं, एक है फंक्शनल पैराडियम, इसी तरीके से एक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम कि भाई उसमें क्लासेस बनती हैं, ऑब्जेक्ट हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का बिहेवियर होता है और प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस तरह करके, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडियम है। इसी तरह ये इवेंट ड्रिवन पैराडियम भी एक है, तो जावास्क्रिप्ट इसको भी अच्छे से सपोर्ट करता है। तो किसी भी जगह पे जब क्लिक होता है, ठीक है, या कोई बटन प्रेस किया जाता है तो उसका एक इवेंट फायर होता है, ठीक है। और उसका जब इवेंट फायर होता है तो वो आपको यानी उसके क्लिक पे जो भी फंक्शन लगा हुआ है उसके अंदर वो पूरा इवेंट आपको मिलता है। अच्छा, इस इवेंट को अगर मैं यहाँ पे कॉन्सोल करा दूँ ताकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस इवेंट में असल में मिलता क्या है, इस इवेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो मिलती हैं। सही है, ये हो गया। मैंने कहा भाई फोर और चेक, अरे ये क्या हुआ। अच्छा, वो इवेंट मैंने यहाँ पे लगा तो दिया, मुझे ऊपर भी इवेंट लगाना होता है, वो मैंने नहीं लगाया। यहाँ पे भी मुझे क्या करना होता है, इवेंट लगाना होता है। सही है, आई होप कि मैं सही कर रहा हूँ। कोई मसला नहीं है, भूल जाए बंदा तो दूसरी स्कूल खोल ले। माई फंक्शन में उन्होंने वही नहीं लिया हुआ यार, इवेंट लिया हुआ ही नहीं है। नहीं असल में वो सिंटैक्स में भूल गया हूँ उसका, वो देखना पड़ेगा कहीं से। इवेंट किसी ने भी नहीं लिया हुआ। ऐसे यार सिंटैक्स भूल गया कि सिंटैक्स क्या था। अच्छा सही है, ऑन क्लिक पे इसने इस तरह इवेंट लिया हुआ है। अच्छा इवेंट का शायद पूरा इवेंट लिखना पड़ेगा, मे बी इवेंट को लेके मुझे पूरा इवेंट शायद लिखना पड़ेगा। चल आगे देख लेते हैं। हाँ, मुझे वो स्पेलिंग जो है ना सिर्फ ई लिखी थी मैंने, वो ई नहीं होगा, पूरा इवेंट लिखना होगा मुझे। ठीक है जी। अच्छा वहाँ भी नहीं, नहीं वहाँ तो वो अलग चीज़ है। यहाँ से जो मैं चीज़ दे रहा हूँ उसकी स्पेलिंग मुझे एग्जैक्टली वही लिखनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे मैं उसको ई लिख के भी रिसीव कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं उसको ई भी लिख दूँ तो चलेगा, यहाँ पे मेरी ये फंक्शन का पैरामीटर है ना तो ये नाम मेरी मर्ज़ी का होगा और वहाँ से जो मैं दे रहा हूँ वो नाम उनकी मर्ज़ी का होगा। मैंने लिखा फाइव और चेक दबाया, मैंने ये मिलना शुरू हो गया। वेल अब इस इवेंट को जब मैंने कॉन्सोल कराया ना तो अब नोट करें यहाँ पे मुझे क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले तो मुझे इस इवेंट का नाम मिल रहा है, ठीक है, कि ये क्या है, सबमिट इवेंट है, ठीक है। अब सबमिट इवेंट के अंदर जो है सबमिटर कौन है, बटन है, हमेशा सबमिटर बटन नहीं होता, कभी एंटर का बटन भी प्रेस करके आप कर सकते हैं, ठीक है। कभी आप फंक्शन में डॉट अप्लाई करके भी आप सबमिट, अभी वो चीज़ें हमने नहीं कवर करनी इस कोर्स में, एडवांस चीज़ें हैं वो, लेकिन हमेशा बटन नहीं होता। अब इसमें ना बहुत सारी चीज़ें मुझे मिल रही हैं, ठीक है। सोर्स एलिमेंट में वो पूरा फॉर्म मुझे मिल रहा है, नोट कर रहे हैं आप,
वो पूरा फॉर्म मुझे मिल रहा है। अब इसके अंदर कहीं ना जिस बटन पे क्लिक हुआ है ना, वो पूरा बटन भी मुझे मिल रहा है। देखो पूरा बटन है, उस बटन का जो टेक्स्ट था, उस बटन के ऊपर जो लिखा हुआ था, वो भी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल रहा होगा। ठीक है, उस एलिमेंट के जो जो एट्रीब्यूट्स हैं, चाइल्ड नोड ये वाला है, हाँ टेक्स्ट मिल गया, ये चेक था, यही लिखा हुआ था ना, ये देखो मुझे मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो जिस बटन पे क्लिक हुआ है ना, वो पूरा एलिमेंट मुझे मिल जाता है, वो पूरा इवेंट मुझे मिल जाता है। जब मैं ई लिखता हूँ ना, तो मुझे पूरा वो इवेंट मिल जाता है। अच्छा, वो इवेंट माउस के क्लिक का भी हो सकता है, वो इवेंट बटन के क्लिक का भी हो सकता है, वो इवेंट माउस के मूवमेंट का भी हो सकता है। अभी इवेंट्स का ना आगे है हमारे बुक में भी कुछ चीज़ें कवर की हुई हैं इवेंट्स को लेकर। ठीक है, वेल तो फंक्शन में मेरा ख्याल है हमने इतना जो कवर कर लिया वो काफ़ी है। अच्छा, आज के बाद हम जितने भी टास्क अब बनाएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे जो मेन लॉजिक है ना वो हम फंक्शन में लिखेंगे। सही है, फॉर लूप भी हम पढ़ चुके हैं, फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, अब हमारे फंडामेंटल कंप्लीट होने की तरफ जा रहे हैं। हमारे फंडामेंटल्स जो है वो कंप्लीट होने की तरफ जा रहे हैं। अब हमारे पास ना एक एडिशनल डेटा टाइप है, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। वो जब हम पढ़ लेंगे ना, तो आपका फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएगा। फिर छोटी मोटी चीज़ें जो बुक में हम देख लेंगे जो रहती हैं वो हम कवर कर लेंगे, तो ये आपके जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा सारा फोकस होगा ऐप्स बनाने के ऊपर, कि हम जो चीज़ सीख ली है, जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल सीख लिए हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए हम बना क्या क्या सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जावास्क्रिप्ट का फंडामेंटल जब आपने कंप्लीट कर लिया है, अब जाहिर है जावास्क्रिप्ट में सिर्फ फंडामेंटल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, फंडामेंटल आप जब ने कंप्लीट कर लिया है, तो आगे की चीज़ें आप खुद से भी सीखेंगे। ज़ाहिर है जब आप जॉब करेंगे, काम करने बैठेंगे, जब आप टास्क बनाएंगे, आप चीज़ों को गूगल करेंगे, तो उससे भी आप सीखेंगे, अपने सीनियर्स से सीखेंगे, ये वक्त आपको सिखाता जाएगा। ठीक है, अच्छा, या तो आप कोई एडवांस किस्म का कोर्स भी आप कर सकते हैं अलग से, अगर आपको शौक है कि मैं एडवांस जावास्क्रिप्ट सीखूंगा। ठीक है, वेल, अभी एडवांस हम यहाँ पे भी कुछ एडवांस कवर करेंगे, उसमें भी देखते हैं क्या आपका रिस्पॉन्स रहता है। एक एडवांस जावास्क्रिप्ट का भी टॉपिक है, वेल अभी वो ज़रा ये कम्प्लीट हो तो फिर वो डिस्कशन होगी, तो पता चलेगा कि वो पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना। तो अच्छा, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा, अब एक आधा असाइनमेंट भी आपको देना है। जी, क्या पूछ रहे हो? फंक्शन लूप की तरह नहीं चला सकते हैं। लूप चला के ना, जैसे 1 से 10 तक लूप चलाया, 0 से लेके 9 तक लूप चलाया, अब हर लूप पे आप फंक्शन को कॉल करा दें, तो 10 दफ़ा वो लूप चलेगा, तो 10 दफ़ा फंक्शन वो कॉल हो जाएगा। जी सर, इससे पहले हमने जो अभी बनाई है उसमें हमने फंक्शन नीचे बनाया था, ऊपर कॉल किया था, यहाँ पे आपने कहा कि इवेंट वाला फंक्शन अगर नीचे बनेगा तो कॉल नहीं इधर आएगा, ऐसा क्यों? अच्छा, बाय द वे मैं ये चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ, अगर मैं इसको उठा के ना ऊपर भी ले आता हूँ तो ये जब भी मुझे मिलेगा। सही है, वो मैं असल में समझाने के लिए कहा था, लेकिन चलो तुमने पूछ लिया तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ये कहा था कि ये जो ES6 वाले फंक्शन हैं, ये जहाँ पे बने हुए होते हैं ना उससे पहले मुझे नहीं मिलते, ये जहाँ पे बने हुए हैं उससे पहले मुझे नहीं मिलते हैं ये। अच्छा, लेकिन ये कोड मेरा बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, आगे चला के देख लेते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, क्लियर किया, मैंने लिखा 5, चेक दबाया, बिल्कुल सही चला। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, यहाँ से मेरा स्क्रिप्ट स्टार्ट है, जब मेरा ये जैसे ही पेज लोड होगा ना, ये पूरी स्क्रिप्ट को रन कर देता है। जब इतना कोड चलेगा तो क्या होगा, ये फंक्शन रजिस्टर हो जाएगा, चलेगा थोड़ी, कुछ भी नहीं होगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा। अगर इस फंक्शन के अंदर कोई एरर भी है ना, यानी सिंटैक्स एरर के अलावा कोई ऐसा वेरिएबल जो है ही नहीं, मैं उसको एक्सेस, तो वो अभी एरर आएगा नहीं, वो जब मैं बटन में क्लिक करूँगा जब आएगा। सही है, अभी जस्ट ये क्या होगा, ये रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद क्या होगा, ये लाइन नंबर 38, 39 जो आगे का कोड है वो रन करेगा। ये आगे गया भाई, आगे जाके इसने देखा आगे एक फंक्शन और रजिस्टर हो गया। अब ये अपनी रजिस्ट्रेशन से पहले नहीं मिलता, रजिस्टर तो अब ये हो गया है, ये फंक्शन रजिस्टर हो गया, अब आगे का कोड ख़त्म हो गया, तो ठीक है भाई, स्क्रिप्ट आपकी पूरी हो गई। अभी तक बंदे ने बटन पर क्लिक नहीं किया, अभी तक बंदे ने बटन पर क्लिक नहीं किया। अब जब वो क्लिक करेगा ना, तो ये फंक्शन जब चलेगा, तो अभी क्या हो चुका है, वो इज़ इवन
रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये करूँ, अगर मैं ये काम करूँ, ठीक है, कि ये जो इज इवन यहाँ पे रजिस्टर हो रहा है, इससे फ़ौरन पहले जो इसको मैं कॉल कर दूँ, ठीक है, कोई भी नंबर दे के कॉल कर दूँ, इसको मैंने कह दिया 3 दे के कॉल कर दिया, तो ये मुझे एरर प्रोड्यूस करके दे देगा। ये क्या करेगा, एरर कर देगा, क्यों, कि ये इस फंक्शन के रजिस्टर होने से पहले इसको कॉल कर रहा है। ऑन अदर हैंड ये फंक्शन जो है ये वाला, ये जब चलेगा, जब बंदा क्लिक करेगा, ये वाला जो कॉल है ये क्या होगा, ये फ़ौरन हो जाएगा, ये क्लिक से जरिए थोड़ी होगा, तो डायरेक्ट चलेगा। अब देखते हैं इस पे एरर आता है या नहीं आता। रिफ्रेश किया मैंने, एरर आ गया, ठीक है। रेफरेंस इज इवन बिफोर इनिशियलाइजेशन नॉट फाउंड। अच्छा, अगर इसी की जगह पे नेम्ड फंक्शन होता तो मुझे वो यहाँ पे एरर नहीं देता। क्यों नहीं देता, क्योंकि वो सारा कोड चलने से पहले ना होस्टिंग परफॉर्म करता है, यानी सिर्फ फंक्शन जहाँ पे फंक्शन है ना उनको उठा के रजिस्टर कर देता है, समझ रहे हो बात। यानी उसमें भी असल में ऐसा नहीं होता कि रजिस्टर होने से पहले मिल जाता है, वो असल में रजिस्टर सब में पहले हो जाता है। कोई भी कोड एग्जीक्यूट होने से पहले एक फेज़ होता है होस्टिंग, वो क्या करता है, पूरे कोड में छान मारता है, वो सिर्फ फंक्शन को हैंड पिक करके उठाता है और उनको रजिस्टर कर देता है, ठीक है। तो इसका भी एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। मैंने कहा कि भाई फंक्शन इज इवन, ठीक है, सही है, नेम्ड फंक्शन बना दिया मैंने इसको, सही है। नेम्ड फंक्शन ऐसी होता है, फंक्शन का कीवर्ड, एक नाम और उसके बाद वो, और इज इवन को मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ, ये इज इवन क्या हो जाएगा, सही तरह से कॉल हो जाएगा। मैंने अच्छा रिफ्रेश कर दिया, 3 लिखा और चेक का बटन दबाया, देखो चल गया, एरर नहीं दिया, तो मतलब सही चला है। जब भी क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू को पकड़ा नहीं है ना कहीं, जाहिर है ये तो हवा में गुम हो जा रही है, लेकिन एरर नहीं दिया इसने। एरर ना देने की वजह क्या है कि इज इवन का जो ये फंक्शन था ये नेम्ड फंक्शन था, और नेम्ड फंक्शन क्या होता है, जो ES5 का ये पुराना वाला जो नेम्ड फंक्शन है उसमें होस्टिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। अब होस्टिंग क्या चीज़ होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, वो अब देख लीजिएगा, क्योंकि आउट ऑफ डेट हो गया तो उसको अब ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ES6 के जो नए फंक्शन है वो स्टैंडर्ड है, तो हम इसको वापस कंट्रोल जेड करके ES6 वाला बना देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से उड़ा देते हैं, सही है। और कोई सवाल किसी का अगर है तो वो पूछ सकता है अभी, ठीक है। अगर कोई सवाल नहीं है तो आप बता दो कि असाइनमेंट क्या दिया जाए, खुद ही बता दो। जो बुक दिया वो कंप्लीट है। क्या दिया, बुक PDF दी थी 3। अच्छा वो दिया था उसमें पहले दी थी, अभी तक नहीं किया। सर तो कह रहे हैं बहुत पहले दी थी वो, तुमने तो क्लास वर्क देता हूँ मैं, तो घर से कुछ दे ही नहीं रहा सर। उसके बाद से सिर्फ आपने ये मैट्रिक्स वाला ही दिया भाई। नहीं, मैट्रिक्स की जो मैंने चीज़ें दी हैं वो तो मैं इधर कोड लिख के देता हूँ, मैं कहता हूँ इसी को अपने हाथ से लिखना, मतलब यही है ना इसी लेवल का, इससे ज़्यादा तो कोई बड़ी चीज़ नहीं दी मैंने आज तक, ये तो क्लास में बैठे बैठे ही हो जाने वाला काम है बाहर। तो देखो सर ने जो, हाँ अच्छा देखो सच बात बताओ, जो मल्टीप्लाई वाला जब कोड लिखने बैठे थे खुद से, और जब लूप चला रहे थे 3-डायमेंशन लूप, तो कितना कुछ सीखा। जिन लोगों ने, जो लोग बैठे होंगे ना 4-5 घंटे जिन्होंने लगाए हैं, तो उनसे आप जैसा मर्जी लूप लिखवा लें वो आपको लिख के देगा। आप में से ही जो लोग मौजूद हैं आप ही की बात कर रहा हूँ, और जो बैठे ही नहीं वो बात अलग है, अगर जिसने टाइम नहीं लगाया उसकी बात अलग है, लेकिन आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। फिर अगली क्लास में मैंने ही आके बता दिया कि भाई फंक्शन बनते हैं, फंक्शन तो बने हुए होते हैं, इंटरनेट पे आप सर्च करो कि मैट्रिक्स को प्लस करने का फंक्शन, वो लोगों ने बनाया, मैं पहली दफ़ा थोड़ी कोई कर रहा है, हज़ारों लोग ऐसे हैं जो ये कर चुके हैं पहले आपसे काम, तो पढ़े ना इंटरनेट पे, आप जाएंगे लिखेंगे वो फंक्शन बना हुआ मिल जाता है आपको, आपने 2-3 वैल्यू डाल के चेक करना है कि हाँ भाई सही चल रहा है, तो ठीक है ख़त्म, इतनी सी बात है, ठीक है। तो अच्छा अब आपको मैं ये असाइनमेंट दे रहा हूँ कि आपको ना खुद से सर्च करना है इंटरनेट पर कि मैं फंक्शन को और फॉर लूप को, इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए मैं क्या बना सकता हूँ। अच्छा तो आपको क्या करना है, खुद से जाके सर्च करना है इंटरनेट पे
देखो इससे क्रिएटिविटी निकल के सामने आएगी, जो बंदा मेहनती होगा ना वो कुछ ढूंढ के निकालेगा। अच्छा सोचने की बात है जी, नहीं नहीं मैं बताऊंगा फिर तो वो डिसाइड हो जाएगी ना चीज़। फिर तो मैं चाहता हूँ कि आपकी क्रिएटिविटी भी निकल के सामने आए, वरना पता कैसे चलेगा कि कौन कितने पानी में। कौन सा वाला? हाँ तो ये एक बन गया ना, ये नहीं बनाना है, इसके अलावा कुछ और सोचना है। ठीक है देखो कोई मसला नहीं है, देखो बेसिक प्रोग्रामिंग हज़ारों लोगों ने पढ़ी है ना पहले भी, तो जब बेसिक प्रोग्रामिंग के जब तुम लिखोगे ना कि क्या क्या पॉसिबल है इन दोनों को मिला के, तो लोगों ने इंटरनेट पे बहुत सारी बातें की हुई हैं, बहुत सारे आइडियाज़ डिस्कस किए हुए हैं, उन्हीं में से कोई एक बना देना। सही है तो अभी क्रिएटिविटी निकल के सामने आएगी। अच्छा क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके अंदर? नंबर एक क्वालिटी, वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए। प्रेजेंटेबल का मतलब ये है, जैसे देखो मैट्रिक्स वाली ऐप बनाइए ना, क्लिक करते हो खोलते हो, एक आम बंदा उसको चलाता है उसको रिजल्ट सामने दिखता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंटेबल। अच्छा अगर आपने यही काम किया होता कि अलर्ट बॉक्स में आप इनपुट ले रहे होते एक एक करके, जो पहली हमने बनाई थी अब याद है, वो क्या प्रेजेंटेबल थी? वो एक आम बंदे को खोल के देंगे कहेंगे ये बार बार ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, वो बोलेगा ये आ जा रहा है बार बार ख़त्म नहीं हो रहा, यही बोलेगा वो। या आपने कॉन्सोल के ऊपर उसका रिजल्ट प्रिंट करवाया, वो बोलेगा यार ये सब कुछ तो ले लिया इसने इनपुट, रिजल्ट तो आया ही नहीं। उसको थोड़ी पता है कॉन्सोल का, एक आम यूज़र को कॉन्सोल का नहीं पता, वो डेवलपर के लिए होता है कॉन्सोल डॉट लॉग। ठीक है तो सबसे पहली क्वालिटी होनी चाहिए कि जो भी चीज़ आप बनाएंगे वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, वो स्क्रीन से ही इनपुट ले और स्क्रीन पे ही आउटपुट आपको दिखाए। ठीक है दूसरी चीज़ ये कि वो फंक्शनल होना चाहिए। फंक्शनल का मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ कर भी रहो। ठीक है मतलब वो जो आप बनाएं, जैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एक प्रैक्टिकल यूज़ है उसका, आपको मैट्रिक्स के कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, वैसे तो इंटरनेट पर बहुत सारे हैं लेकिन आपका भी एक ऐड हो गया, तो कोई ना कोई फंक्शनल चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई मतलब बोंगी नहीं होनी चाहिए कि ऐसे एक नंबर है उसको पलट के पीछे कर देता है, इस तरह की कोई चीज़ एक्सेप्ट, मतलब कुछ होना चाहिए जो किसी को हज़ारों लाखों में से किसी एक बंदे के भी वो काम आए, एटलीस्ट कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। ठीक है कोई रियल लाइफ की कोई चीज़ होनी चाहिए। तो ये दो क्वालिटी एटलीस्ट आप मैच कर लें कि फॉर लूप, ये जो भी अभी तक आपने पढ़ा है, ये मैं फॉर लूप और फंक्शन की बात नहीं कर रहा है, यानी जो भी एरे वगैरह नंबर जो भी पढ़ा है, जो आज तक जो आप चीज़ें पढ़ चुके हैं जावास्क्रिप्ट में इस क्लास में, उन सबको इस्तेमाल करते हुए आप क्या बना सकते हैं। ठीक है तो ये आप लोगों का असाइनमेंट है, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी अगली क्लास में। ठीक है और जो सर हम मात ने दिया वो घर का है, वो भी थोड़ा थोड़ा उस पर टाइम दें, वो भी बनाना है आपने। ठीक है।